नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया, मेरे इस YouTube चैनल जयवेद स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सम्राट जो महान सिकंदर था, सिकंदर के बारे में चर्चा करी। अगर आपने सिकंदर वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, तो वहां जाके आप सिकंदर महान को पढ़िए। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की आज हम चर्चा करेंगे। आपने हमने पिछली बार पिछले लेक्चर्स में देखा कि सिकंदर जब आया था उस टाइम पे हमारे भारत पर नंद वंश मगध साम्राज्य जो था उसमें नंद वंश का शासन चल रहा था, और नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम घनानंद था। घनानंद की मृत्यु होती है तो उसको मारता है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य जब घनानंद को मारता है तो वहीं से मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। 20वां लेक्चर है, इससे पहले 19 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने 19 लेक्चर नहीं देखे तो मेरी जो जैविक स्टडी यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाके उन 19 लेक्चर्स का अध्ययन करिए, उसके बाद इस लेक्चर्स को पढ़िए ताकि आपको इतिहास बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। ये जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य करता है, लेकिन इसमें इसकी स्थापना में एक बहुत बड़ा रोल होता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का, जिनका नाम था कौटिल्य, चाणक्य जिनको कहा जाता है, या चंद्रगुप्त जो विष्णुगुप्त भी उन्हें कहा जाता है, कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त। तो इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इनकी ही मदद से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या करता है और इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना प्रारंभ करते हैं, हम चर्चा करते हैं। भारत में महाजनपद काल के बाद मगध में नंद वंश का जो पतन हो जाता है, महाजनपद काल आता है उसी में मगध साम्राज्य उभर कर सामने आता है, और मगध साम्राज्य के पतन के बाद या नंद वंश के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। किस साम्राज्य का उदय हुआ? मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, और इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है इसका संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक महान शासक हुआ भारतीय इतिहास का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें अगर हम प्रमुख शासक की बात करें कि मौर्य वंश में हम प्रमुख कौन कौन से शासकों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसका शासन काल रहा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। अगर पूरे मौर्य साम्राज्य के समय की हम बात करें तो 322 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 184 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो मौर्य साम्राज्य का है। और अगला है बिंदुसार। बिंदुसार जो है इसका समय था 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी बोलते हैं, 298 बीसी से 273 बीसी। उसके बाद सम्राट अशोक आता है। इस सम्राट अशोक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था इस मौर्य साम्राज्य का, इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे, यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हैं। वैसे तो सभी ही इम्पोर्टेंट है पर चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक दो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए। इसके बिंदुसार भी महत्वपूर्ण हुआ। तो अशोक का समय था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। उसके बाद सम्राट अशोक के कुछ उत्तराधिकारी होते हैं जो कमजोर शासक होते हैं, जिनमें प्रमुख होता है संप्रीति, कुणाल और दशरथ। ये संप्रीति, कुणाल और दशरथ कुछ प्रमुख शासक होते हैं मौर्य साम्राज्य के। उसके बाद इस साम्राज्य का अंतिम शासक आता है बृहदत्त। बृहदत्त जो होता है इसका अंतिम शासक होता है, जो कि 184 ईसा पूर्व के लगभग तक ये साम्राज्य चलता है। उसके बाद बृहदत्त की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग नाम का व्यक्ति। उसके बाद कुछ ब्राह्मण वंश आ जाते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले पार्ट में चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका समय 322 बीसी, यानी कि 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय था वो चंद्रगुप्त मौर्य का समय था। चंद्रगुप्त के अगर हम अन्य नामों की बात करें तो इसको दो अन्य नामों से जाना जाता था, एक सेंट्रोकोटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सेंट्रोकोटस, और दूसरा पॉलीब्रोथस। ये दो नाम इसके अन्य नाम है जो कि जिसमें से सेंट्रोकोटस एग्जाम्स में आ चुका है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये मौर्य वंश का संस्थापक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन हुआ, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। हमने पढ़ा था कि घनानंद जो था
नंद वंश का अंतिम शासक था और उसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करी तो कब करी थी? 322 ईसा पूर्व में घना नंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करता है और इसी के साथ मौर्य वंश का उदय होता है और घना नंद का जो वंश था नंद वंश उसकी समाप्ति होती है। तो याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घना नंद की हत्या की थी और मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगर इसकी माता की बात करें तो इसकी माता का नाम मूला था। याद रखिए क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन आता नहीं है पर उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूला था। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये लगभग 25 वर्ष की उम्र में ही मगध साम्राज्य का यानी मगध का शासक बन जाता है और वहीं से मौर्य वंश की स्थापना करता है। इसके गुरु की बात हम करें तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य इसके गुरु थे जो जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना में। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त व कौटिल्य इनके गुरु थे जिनको यानी कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहीं पर इसको इसी में डाल दिया। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? कौटिल्य को या विष्णुगुप्त को या चाणक्य को कहा जाता है। ये जो चाणक्य है प्रारंभ में यानी कि जब मौर्य वंश के प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं उसके पहले ये तक्षशिला के प्रधान अध्यापक होते हैं। तक्षशिला में जो विद्यालय होता है उसके प्रधान अध्यापक होते हैं। उसके बाद इनकी रचना की अगर हम बात करें तो जो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य है इनकी रचना होती है अर्थशास्त्र, जो कि एक राजनीति की पुस्तक होती है। इसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन ये राजनीति की पुस्तक होती है कि एक राजा में किस प्रकार गुण होना चाहिए, एक राज्य में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में इसका उल्लेख है। और चाणक्य, विष्णुगुप्त के पिता का नाम चाणक्य है। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में बात करें तो इसकी जाति मौर्या थी, मौर्या इसकी जाति थी और इसी मौर्या से ही मौर्य वंश बना। मौर्या जाति के नाम से ही मौर्य वंश बना, उसी शब्द से मौर्य वंश की स्थापना हुई या हम कह सकते हैं कि मौर्य बना। उसके बाद इसका राज्य चिन्ह भी मयूर रहा। अगर नाम मौर्य वंश है इसका तो इसका राज्य चिन्ह भी मयूर रहा। ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथों में कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये शूद्र जाति का व्यक्ति था। किस जाति का व्यक्ति था? शूद्र जाति का व्यक्ति था परंतु जैन व बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षत्रिय बताया गया। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण ग्रंथों में किस जाति का माना गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र जाति का माना गया है व जैन व बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षत्रिय माना गया है, तो याद रखिएगा। उसके बाद विलियम्स जोन्स जो एक व्यक्ति था, एक इतिहासकार था विलियम जोन्स, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा। क्या कहा? सेंट्रोकोटस कहा। यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है सेंट्रोकोटस। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सेंट्रोकोटस किस शब्द भाषा का शब्द है तो सेंट्रोकोटस ग्रीक भाषा का शब्द है। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस किसने कहा? तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा। प्लूटार्क जो होता है इसके अनुसार एक व्यक्ति होता है, ये भी इतिहासकार होता है प्लूटार्क। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसकी सेना में लगभग 6 लाख सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 6 लाख। और सभी लगभग कबीलाई थे। कैसे थे? कबीलाई समाज के लोग थे सभी ये सैनिक जो थे, ये कबीलाई थे। लगभग 6 लाख थे और सभी कबीलाई थे। इसकी सेना में कई हाथी भी थे। सिकंदर जो होता है, हमने पढ़ा था सिकंदर का जब युद्ध होता है भारत में उस समय भारत का शासक होता है घनानंद। कौन होता है? भारत का शासक होता है घनानंद। तो घनानंद की मृत्यु तो किसके हाथों होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की होती है। परंतु सिकंदर जो होता है वो अपने ही सैनिक उसको मना कर देते हैं भारत में अंदर जाने से और सिकंदर वापस चला जाता है और अपना जो साम्राज्य होता है वो अपने कुछ उत्तराधिकारी को सौंप कर जाता है जिसमें होता है प्रमुख सेल्यूकस निकेटर। तो जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये जो पश्चिमोत्तर भारत वाला क्षेत्र होता है ना, हमने देखा था पिछले लेक्चर में पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र मतलब भारत का उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र जो होता है वो लगभग स्वतंत्र हो जाता है। तो उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और धीरे धीरे क्या करता है? उसका सामना इस व्यक्ति से होता है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। ये जो सेल्यूकस निकेटर है, ये सिकंदर का उत्तराधिकारी होता है और सीरिया का शासक होता है। कहाँ का शासक होता है? सीरिया का। सीरियाई क्षेत्र का ये शासक होता है। इसका सामना होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का एक युद्ध होता है।
इस युद्ध की चर्चा अगर हम बात करें कि इस युद्ध की चर्चा किसने की, तो इस युद्ध की चर्चा एपी योकस ने की, एक व्यक्ति है इतिहासकार है जिसका नाम है एपी योकस। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध होता है उसकी चर्चा एपी योकस द्वारा की जाती है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। कौन जीतता है इस युद्ध में? चंद्रगुप्त मौर्य जीतता है। और यहाँ पर एक संधि होती है, चंद्रगुप्त मौर्य अगर जीतता है इस युद्ध में तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का जब युद्ध होता है तो उसमें जीत चंद्रगुप्त मौर्य को होती है। और एक संधि होती है, इस संधि को अप्पी योनस की संधि कहा जाता है। कौन सी संधि कहा जाता है? अप्पी योनस की संधि कहा जाता है। इस संधि में कुछ शर्तें होती है, इस संधि में कुछ बातें होती है, कुछ डील होती है। तो क्या क्या वो चर्चा होती है? तो फर्स्ट चर्चा होती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो सिंधु पार चार इलाके मांगता है। किससे मांगता है? सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर से सिंधु पार के चार क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य से मांगता है कि ये संधि के तहत आप हार गए हो तो इस संधि के तहत आपको क्या करना पड़ेगा, सिंधु नदी के पार के चार इलाके चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़ेंगे। तो चार क्षेत्रों में कौन कौन से चार इलाके होते हैं? फर्स्ट होता है एरिया हेरा, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान का उत्तरी क्षेत्र होता है जिसे एरिया कहा जाता है। हेरात भी इसका नाम था, अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा जेड्रोशिया, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, इसे जेड्रोशिया की मांग करता है बलूचिस्तान पाकिस्तान। दूसरा है तीसरा अराकोशिया, जो कि गांधार क्षेत्र में पड़ता है, ये भी सिंधु पार का ही है। और अगला है चौथा परोप मिशदाई, जो काबुल, ये भी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, परोप मिशदाई। तो चार कौन कौन से इलाके की मांग करता है चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर से? फर्स्ट है एरिया हेरात अफगानिस्तान, जेड्रोशिया बलूचिस्तान पाकिस्तान, अराकोशिया गांधार, परोप मिजदाई काबुल। अगली संधि की जो अगली संधि में जो अगली चर्चा हुई उसकी हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली शर्त है सेल्यूकस जो था उसको इस संधि के तहत वो जो पांच क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, उन चार क्षेत्रों के बदले में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी उपहार में देता है। कितने हाथी उपहार में देता है? 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य उपहार में देता है। अगला है ग्रीक की एक राजकुमारी होती है हेलेना, जिसको कार्नेलिया भी कुछ बुक्स में इसका उल्लेख है। हेलेना ग्रीक राजकुमारी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। ऐसा माना जाता है कि ये हेलेना जो कार्नेलिया है ये सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होती है। तो इस सेल्यूकस निकेटर की पुत्री या राजकुमारी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है इसी संधि के तहत। तो चार क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य लेता है, 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को देता है, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। और एक अंतिम शर्त है इस संधि के तहत, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत होता है जिसका नाम होता है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज भारत आता है। तो ये इसी एपियोनस की संधि के तहत ही भारत आता है, जिसकी रचना इंडिको होती है। इस इंडिको में मौर्य साम्राज्य का बहुत अच्छे से उल्लेख मिलता है। तो ये चार प्रमुख शर्तें थी जो जिनके तहत सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य संधि होती है। उसके बाद जैन धर्म व चंद्रगुप्त मौर्य का आखिर में क्या संबंध होता है? तो फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। पहले कुछ बुक्स में उसका उल्लेख मिलता है कि वो क्षत्रिय था, ब्राह्मण ग्रंथों में बोला जाता है कि वो शूद्र है, लेकिन बाद में वो जैन धर्म को मानने लग जाता है। तो वो किस धर्म का अनुयायी हो जाता है? जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है दिगंबर जैन। उसमें जैन में भी कौन सा जैन? दिगंबर जैन। और वो जैन धर्म की दीक्षा लेता है। जैन धर्म के जो प्रमुख व्यक्ति होता है भद्रबाहु, भद्रबाहु से वो दिगंबर जैन की शिक्षा लेता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म का अनुयायी था, दिगंबर जैन का अनुयायी था, भद्रबाहु से वो क्या करता है? दीक्षा लेता है। जब उसके जीवन का अंतिम समय आता है तो वो सारा राजकाज जो है वो अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप कर, किसको सौंप देता है? पुत्र बिंदुसार को सौंप कर दक्षिण भारत में चला जाता है। और भद्रबाहु के साथ वो दक्षिण भारत में जाता है। तो अपना सारा राजकाज जो होता है वो दक्षिण भारत में चला जाता है सौंप कर बिंदुसार को। वो दक्षिण भारत में एक जगह पड़ती है जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, श्रवण बेलगोला, जो मैसूर कर्नाटक के मध्य पास पड़ती है। श्रवण बेलगोला में जैन धर्म में हमने जब पढ़ा था तो जैन धर्म में उपवास के द्वारा शरीर त्यागने की एक विधि थी जिसका नाम था संलेखना। क्या नाम था? संलेखना।
संलेखना विधि के द्वारा ये अपना शरीर त्याग देता है। कहाँ पर त्यागता है? श्रवण बेल बोला मैसूर कर्नाटक में पड़ती है। इस संलेखना विधि द्वारा अपना शरीर त्याग देखता है लगभग 298 ईसा पूर्व। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ होती है या फिर वो कहाँ पर अपने शरीर का त्याग करता है? तो वो श्रवण बेल बोला कर्नाटक में अपने शरीर का त्याग करता है। तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रमुख फैक्ट। उसके बाद एक नोट के बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो श्रवण बेल बोला है ये जगह का क्या महत्व है या जगह क्या किस लिए जानी जाती है? तो जो श्रवण बेल बोला है कर्नाटक में पड़ता है। ये जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिस पर जहां पर जैन धर्म के एक संत हुए बाहुबली गोमतेश्वर, इनकी विशाल मूर्ति यहां पर बाहुबली या गोमतेश्वर की एक विशाल मूर्ति है जिसका निर्माण चामुंडा राय ने कराया। ये भी संदेह आया हुआ है कि गोमतेश्वर बाहुबली का निर्माण जो मूर्ति है उसका निर्माण किसने कराया था? तो चामुंडा राय द्वारा इसका निर्माण कराया था। ये जो मूर्ति है, ये जो श्रवण बेल बोला है, यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्षों में इन बाहुबली का भगवान बाहुबली का महामस्तक अभिषेक होता है। महामस्तक अभिषेक होता है, तो याद रखिए कितने वर्षों में होता है? 12 वर्षों में होता है ये। और ये जो बाहुबली की मूर्ति है ये लगभग 57 फीट की, कितनी फीट की है? 57 फीट की ये मूर्ति है। कितने फीट की? तो याद रखिए बाहुबली की 57 फीट की मूर्ति है। तो श्रवण बेल बोला जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्यागा था। यहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली की एक विशाल प्रतिमा है जिसका प्रत्येक 12 वर्षों में महामस्तक अभिषेक होता है। और उसी के साथ अंतिम फैक्ट है सुदर्शन झील जो गुजरात में पड़ती है। तो ये सुदर्शन झील है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री होता है पुष्यभूति। कौन होता है? पुष्यभूति। इस पुष्यभूति ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो आज हमने देखा कि मौर्य वंश के प्रमुख कौन कौन से शासक हुए जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार व अंतिम शासक था बृहदत्त जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग करता है। और इस वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है ये आज हमने देखा। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बिंदुसार व सम्राट अशोक के बारे में। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपको समय समय पर मिल जाए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।